डोईवाला में विश्वकर्मा दिवस पर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के कार्यकर्ताओं ने शिल्पकार सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसके चलते शिल्प कला से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य हेमा पुरोहित भी मौजूद रही। वहीं इस बीच हेमा पुरोहित ने कहा कि शिल्प का कार्य करने वाले लोगों को आज के दिन सम्मानित करना भगवान विश्वकर्मा के सम्मान स्वरूप है, क्योंकि यही शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के रूप में हमारे बीच में है। डोईवाला से संवाददाता महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। भगवान विश्वकर्मा का जन्मदिन है, जिन्होंने इस दुनिया की सृष्टि की, हम उनको नमन करते हैं और पूरे देशवासी प्रदेश क्षेत्रवासियों को बधाई भी देना चाहते हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके हमारे जो कार्यकर्ता आज काम करते, निर्माण का काम करते, विकास का काम करते हैं, कारीगर हैं, मकान बनाते हैं, कटाई छटाई का काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जितने भी हमारे कारीगर लोग हैं, हम उनको सबको सम्मानित करके भगवान विश्वकर्मा को सम्मानित करते हैं, क्योंकि उसी की परंपरा का अनुकरण ये लोग सब लोग करते हैं। आज विश्वकर्मा जयंती है, इस अवसर पर माता शक्ति को हम सम्मानित कर रहे हैं। जो एक मजदूर वर्ग है वो विकास की दूरी है, यदि वो है तो मैं समझती हूँ विकास है। कि हम लोग जैसे इंजीनियर हैं, कंप्यूटर का युग आ गया है, कंप्यूटर पे प्लान बड़े बड़े बना देते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट जो है एक मजदूर वर्ग उसको ज़मीन पे उतारने का काम करता है, और महिलाएं घर भी देखती हैं और ये सब काम भी करती हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विश्वकर्मा जयंती पर उनका सम्मान ना हो तो विश्वकर्मा जयंती अधूरी सी लगती है। आज विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम है और हम अपने जो विश्वकर्मा समाज के लोगों को, विश्वकर्मा समाज की तरफ से हमेशा हर साल कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, शिल्पकार लोगों को सम्मानित करते हैं जिसमें महिलाएं और पुरुष सभी हैं। इसी के चलते आज हमने कार्यक्रम रखा हुआ है विश्वकर्मा जयंती पर शिल्पकार सम्मान समारोह, जिसमें हम ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो दिन रात दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का पालन करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने कार्यक्रम रखा है। यह डोईवाला क्षेत्र के कम से कम 30-35 महिलाओं को और पुरुषों को हम इस कार्यक्रम में आज सम्मानित करेंगे, जिससे कि मैसेज आए कि विश्व जो गरीब लोग हैं उनको भी क्षेत्र में सम्मानित किया जाना चाहिए। इसलिए हमने भारत के लोगों को सम्मानित करने का फैसला लिया है, उसमें हमने डोईवाला में यह कार्यक्रम रखा है। पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज के कार्यक्रम आज लगातार किए जा रहे हैं।